दूर आए हुए थे रेस्क्यू करने के लिए। ब्रांच बैक मिल गया
रुक जाइए, चलिए फ्रेश जगह पे चलिए, उस मारेगा तो बाइट मारने के लिए तैयार है अभी। कौन सा पे है? ब्राउन ट्री स्नेक, ब्राउन ट्री स्नेक पेड़ वाला सा, हिंदी नाम। इतने बाइट मारेगा, लंबा होता है ये, बाइट मारेगा ठीक है। अभी थोड़ा सा सबको ही सतर्क रहे, खाया हुआ छिपकली खाया हुआ, हाँ छिपकली खाया हुआ समझ रहे हैं। हम इसीलिए बोले कि ये पेड़ में चढ़ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये आखिरकार पकड़ा गया, ये ब्राउन ट्री स्नेक है और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला में होता है, अभी ज़्यादा गुस्सा में है, बाइट वगैरह कर लगा। एक छिपकली खा चुका है, देखिए यहाँ पर ये पेट इसका फुला हुआ है, जिसके कारण ये पता चल रहा है यहाँ पर छिपकली खाया है। भैया लोग बता रहे कि छिपकली पकड़ा हुआ था। और ये हमलेस होता है, बाइट करता है बट हमलेस होता है, इसका कोई जहर नहीं है, इसमें कोई पॉइजन का मात्रा नहीं है, ये नॉन बनावस है, बिना जहर वाला। लेकिन अक्सर जहरीला नहीं, नहीं पकड़ सकते हैं, हम बताएंगे पकड़ लीजिएगा उस समय, लेकिन अभी जस्ट अभी छूने के लिए मत आइएगा। नहीं बाइट करेगा हम समझ रहे हैं, हमको बाइट करेगा तो हम समझ रहे हैं हमको क्या करना है, रेडी है आप लोग को, फिर आपको समझना होगा। ध्यान मत भटकाइए भैया को, जो सवाल करने पूछिए बताएगा वो, अपने उनको ध्यान उसी में रहने दीजिए। हाँ ये बाइक करने के लिए रेडी है, बाइक कर लेगा तो आप जहाँ पर बाइक कर लेगा तो वापस आपका क्या बोलते हैं, दिन भर वहाँ पर दर्द रहेगा, जलन रहेगा, उसमें आप हदस भी सकते हैं, बस ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, आपको ध्यान देना होगा, ये सब सांपों को पहचानना होगा, क्या सांप है क्या कैटेगरी है, उसे पहचानने से कभी किसी का सांप के काटने से जान नहीं पाएगा। ये हमको कई बार काट चुका है, कई बार काट चुका है। तो कौन सांप में आता है? ये ब्राउन ट्री स्नेक है, पेड़ वाला सांप ठीक है, उड़ने वाला सांप पूरे कैटेगरी में आता है बट ये उड़ता नहीं है, ये पेड़ में ही अक्सर दिखता है, ज़मीन में अक्सर इस तभी दिखता है जब खाने के तलाश में ज़्यादा इसको खाना खाने के लिए नीचे आना पड़ता है, उस समय पेड़ में कुछ ना मिले तो कुछ खाने के लिए आ जाएगा। और ये छिपकली को अगर उसका पीछा पीछा कर रहा होगा इसीलिए पेड़ से उतरा, ये हमलेस होता है, इसका कोई जहर नहीं है, पहचानी इसे काटने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसके काटने से कोई दिक्कत नहीं है। सांप काटने ऐसी आपको बता देंगे, पकड़ने का टेक्निक बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, बाइट करे तो आपको संभाल। जिसके लिए भगवान जिसको जो काम दिया वही करे, वही महान है धरती में। और देखिए इसको पहचानिए, पहचानेंगे कैसे हम, आइए सामने तो सबको आइए, मेरे हाथ में है कोई दिक्कत नहीं है, पहचान इसका यही है कि पूरा का पूरा ये चॉकलेटी कलर में दिखेगा। हाँ भैया, ब्राउन ठीक है, और सर इसका पतला पतला गर्दन और सर नुकीला, और हमेशा देखिएगा पेड़ में ऐसे पे गर्दन हिलाते रहते हैं। हाँ भैया ठीक है, और एक चीज ये धूप में इसका रंग चेंज आएगा, देखिए ठीक है, ये धूप में इसका रंग चेंज होते रहता है, और ये अभी खाना खा लिया जिसके कारण अभी पेट में ये जख रहे रंग ये चेंज हो रहा है धूप के कारण। यही एक सांप है जो थोड़ा कलरफुल में दिख जाता है धूप के समय ठीक है, और इसका जो जीभ हम सब हर समय लपलपाना प्लस आँख बड़ा हुआ बड़ा निकला हुआ
गर्दन पतला हमेशा हिलाते हुआ। ये बड़ा होता है कि इतना ही साइज में रहता है? इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। 3 फीट 3.5 फीट का, ठीक है, ये लगभग 2 फीट का लंबा रहता है ऐसा ही। हाँ, इससे भी मोटा होता है। ये मेरे स्टिक जो दिख रहे हैं इससे भी मोटा होता है, इससे भी मोटा होता है, इससे भी इतना बड़ा रेस्क्यू किए हैं, ठीक है। तो ये है पूरा ब्राउन चॉकलेटी कलर में, और पूछ में भी आपको दो धारी में दिखेगा, दोनों साइड में दो धारी दिखेगा चॉकलेटी कलर व्हाइट। इसका पहचान यही है, इस सबको पहचाने ताकि कभी दिक्कत ना हो। ये नॉर्मल सांप है, इसको इसके काट लेने से कुछ नहीं होगा। नहीं, 100% इसका बीस ही नहीं है जो बीस चढ़ेगा। सी 20 लोगों का सोच में है, सोच में मार दिया, देखिए लोगों के सोच में है बस। हाँ, अगर आप सोचिएगा कि हमको 20 चढ़ेगा तो चढ़ेगा। हाँ, एक मिनट, ठीक है राजे। अगर आप बोलिएगा मेरा इसके काटने से कुछ नहीं होगा, देखो फिर बैठ गया, ठीक है, इसके बाइट करने से कुछ नहीं होता है। कोई अगर बाइट किसी को बाइट दे कर भी ले 20 रुपया, कभी भी घबराइए मत, क्योंकि ये सांप से के काटने से किसी का जान ना गया है ना जाएगा। देखिए आपके सामने दो बार बाइट किया, अगर ऐसा होता तो हमको तुरंत गाड़ी पकड़ के अस्पताल की ओर भागना चाहिए, भागना पड़ता। हाँ। लेकिन ये आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए बात करें तो आप लोग का जो अंधविश्वास है इस सांप के बारे में वो खत्म हो जाए, ताकि कभी भी इस सब सांप के काटने से किसी का जान ना जाए, ठीक है। हम यहाँ लोकल में है, कहीं दूर से नहीं है। कहाँ से हैं भैया? हम शारदा क्लिनिक से, ठीक है। हमने अपना सब पकड़ा, गमन सारा साफ हो। अरे इनके वेबसाइट पे जाना भैया, इनको कार्ड दे दीजिएगा, एक दो स्टाफ लोग को, वो ज्यादा थोड़ा सा प्रचलित हो। आप क्या बोल रहे थे? यूट्यूब चैनल के बारे में? नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बोल रहे, ये सांप के बारे में बोल रहा है। इसके काटने से इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका जहर नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो उसमें हर तरह का सांप, सांप का नाम बस सांप होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। हाँ। कौन सा सांप है नहीं है सारा कुछ जानकारी दे देंगे। आप लोग सिर्फ सांप जान रहे हैं, सांप का जिस दिन कैटेगरी जान गए ना, आज हमको बुलाना पड़ा ना कॉल करके, कल दिन बुलाना ना। नहीं भैया, बुलाना तो जीवन भर पड़ेगा आपको, जिसका जो काम बना है वही करे तो अच्छा। हम बता रहे हैं आज हमको बुलाना पड़ा इसलिए क्योंकि आप जानकार नहीं है। आज जिस दिन जानकार बन जाएंगे उस दिन हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप खुद समझ पाएंगे कि इस सांप के लिए हमको क्या करना चाहिए। आप मंत्र मंत्र जानते हैं? जी नहीं, कोई मंत्र होता है कि नहीं? मेरा उम्र देख के बताइए हम कौन सा मंत्र ले सकते हैं। ठीक नहीं है, मेरा मंत्र मंत्र नहीं। जी नहीं, इसका टेक्निकल है ना, इसका पढ़ाई की हुआ है जिसके बारे में। जी हां, आप डिटेल में सही बताए, इनका पढ़ाई किया हुआ है, इसका पढ़ाई भी होता है। हर सांप का पढ़ाई है, जैसे कौन सांप में विष है, कौन सांप में विष नहीं है। ये हाइकोलॉजी सुन आ गया, जैसे होता है कोई डॉक्टरी में आ गया, कोई इंजीनियरिंग में आ गया, ये हाइकोलॉजिस्ट में आ गया, जीव विज्ञान में आ गया। जीव विज्ञान में, हाँ ठीक है, इसका भी पढ़ा गया। बड़ी स्पीड ये सब चलता है, सांप 300 है वाला सांप है, तो हुआ सर आप करे समझ ही देख ले सेनर यार। हमारे इंडिया में 300 सांप है, 300 में 12 जहरीला, 12 में 8 सांप आपको जंगल एक एरिया में मिल जाएगा, और 4 सांप आपके घर के आसपास मिल सकता है, तो ही 4 सांप को आपको पहचानना जंगल के एरिया से। दो मुंह वाला सांप उनके रहता कि नहीं? जी जान नहीं है ना, और अजगर और असल है जो सियान चंद्रवा बोलते हैं। हां, सियान चंद्रवा है ना, वो भी है। उसमें कोई जल्दी पहचान नहीं कर पाता है, तीनों में अक्सर धोखा खा जाता है लोग। अंडा से फन वाला सांप जो भी है, फन वाला सांप है, अंडा से तुरंत निकलने के बाद फन खड़ा करता है। उसका बीक उसका है, एक गुंजर 20 से 22 जितना हम लोग खड़े उसको मारने के लिए एक गुंजर काफी है, और किसी को काटता है चम्मच भर उसका जहर छोड़ देता है, उसके एक गुंजर से 6 से 7 हाथी को मार सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि 300 हमारे इंडिया में सांप है, 300 में 12 जगह, 12 में आपको बताएं 8 सांप जंगल के एरिया में मिलेगा और 4 सांप घर द्वार में मिल सकता है। कौन कौन सांप है? जो शेर चल रहा है, ठीक है, एक गोहमन हो गया, और एक बैंडेज के करेट में हो गया, काला पीला, हाँ करेट हो, काला सादा बोल, ठीक है, और एक एक हो गया बहुत ज्यादा करेट बहुत 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 ही ज्यादा नियर सिस्टम को खत्म कर देता है, नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, जिसके कारण उसका जहर बहुत तेज भागता है। हेलो, बहुत ज्यादा हेलो,
तो आप लोग को सिर्फ उस सांपों को ज्यादातर क्या बोलते हैं उससे बचना है जो खतरनाक खतरनाक हेलो क्योंकि आपने बताया 300 में हम 12 बोल रहे हैं 12 में से हम 4 को 4 से बोल रहे हैं 10 मिनट उसमें बताइए कितना सारा सांप है नवा सांप नहीं होता है छोटा छोटा ना ना बारिश देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रेस्क्यू करके और जंगल भी पहुंच चुके हैं इस जगह छोड़ देंगे इस सांप को देखिए ये हम रेस्क्यू किए जो कि आप देखे हैं वीडियो पे जहाँ गए थे और ये मेरा टीम मेंबर्स ने रेस्क्यू किया थोड़ी देर पहले इसका वीडियो नहीं बना दोस्तों क्योंकि वीडियो इक्विपमेंट मेरे ही साथ है मेरे साथ चलता है तो ये रेस्क्यू करके रखा गया था और ये नॉर्मल सांप है ये भी और ये भी नॉर्मल सांप है चलिए आप सभी को दिखाते हैं दोनों सांप और आप सभी को इसकी जानकारी देते हैं चलिए पहले तो आप सभी इस सांप को देखिए जो कि ये ब्राउन ट्री स्नेक जो कि पकड़ा गया वो वर्क साइट से देखिए ये ब्राउन ट्री स्नेक है और ये हमले से होता है इसके काटने से कुछ नहीं होगा जिससे कि आप देख सकते थे मेरे वीडियो पे आप वो वर्क साइट से जहाँ पे हम लोग इसको पकड़े वहाँ पे हमको दो बार बाइट कर चुका है ये सांप फिर भी इसकी इसके बाइट से कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल सांप होता है ये एकदम हार्मलेस होता है इसे काटने से ना इसका जहर है ना इसके काटने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर इसका पॉइजनस ही नहीं है इसका कोई पॉइजनस नहीं है इसका कोई जहर नहीं है आइए सामने से देखिए सामने आओ दिखाए ठीक है दोस्तों ये हार्मलेस और ये ब्राउन ट्री है समय के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाने वाला सांप चलिए इसे हम छोड़ देते हैं उसके बाद आप सभी को बारे में बताएं क्या छोड़ देंगे वो आगे चला जाएगा देखिए इतना स्पीड जाएगा कि बोले ही मत उसका स्पीड देखिए देखिए जा देखिए दोस्तों ये दूसरा सांप जो कि एक अलान क्रेट है कॉमन ट्रिंकेट देखिए ये कॉमन ट्रिंकेट है ये भी एक हार्मलेस सांप है जो कि घर के आसपास ही दिख जाता है जल्दी ये घर के ये जो अस्टर रूम होता है वहाँ पे ज़्यादातर ये पाया जाता है ढीला मिट्टी में रहना पसंद कर रहा है नमी मिट्टी में रहना पसंद करता है ये सांप और धूप पसंद नहीं है और ये भी हार्मलेस होता है सामने देखा ना না তোর ফ্রেশ লাগতেছিল না তো ভালো লাগতেছিল দেখে ইয়ে নর্মাল সাপ ইসকে ভি কাটনে সে কোই দিক্কত নেই ইয়ে নর্মাল সাপ ইয়ে বাচ্চা আবি ইয়ে কাফি জাদা বড়া হতা হ্যায় 3 সে 3.5 ফিট কা হতা হ্যায় ইয়ে সাপ তো ইয়ে জো প্যাটার্ন দিখ রহা প্যাটার্ন হমেশা ইসকা বড়া মে অর ছোটা মে সেম হি দিখতা হ্যায় ওর ইসকা আঁখ বড়া নিকলা হুয়া সর নুকিলা অর গর্দন মে ভি এক বনা হুয়া দেখ সকতে হ্যায় ইসে জমিন মে ছোড়েঙ্গে অর উসকে বাদ দেখিয়ে আপ ইসকা জাদু দেখিয়ে দোস্ত यही बता रहे थे हम ये जो सांप है इसका जादू देखिए ये जो सांप है इसका जादू देखिए ये बाइट कैसे करता है देखिए देखिए ये भाग रहा है लेकिन भागने में देंगे अभी देखिए दोस्तों ये अपनी गर्दन को पूरा खड़ा कर देता है अब बोलता है मेरे सामने मत आना नहीं तो हम काट लेंगे देखिए आप सभी को जैसे दिख रहा होगा एक गर्दन को पूरा खड़ा कर दे रहा है रुको रुको भागने के चक्कर में है अभी देखिए दोस्तों देखिए चलिए इसे भी हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे जल्द से जल्द इसे जंगल में छोड़ देंगे देखिए हाथ में है तो ये कुछ नॉर्मल उतना ज़्यादा गुस्सेल नहीं है लेकिन ये ज़मीन पे जैसे ही रखेंगे और इसको जैसे ही छेड़ेंगे ये गर्दन को खड़ा कर देगा देखिए चलिए इसे भी छोड़ देते हैं और आप सभी को इसे जाते हुए दिखाते हैं ये थोड़ा नमी में रहता है तो थोड़ा सा इधर इसको इस जगह छोड़ देते हैं ताकि ये चला जाएगा देखिए दोस्तों वो भी चला गया ये सांप वो सांप दोनों ही चला गया चलिए दोस्तों वीडियो पसंद रहा होगा तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके शेयर से और आपके आपके शेयर से किसी की जान बचता है तो जरूर से शेयर कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।